वेलकम टू बबली की रसोई। आज बनाएंगे कच्चे सिंघाड़े का हलवा। ये कच्चा सिंघाड़ा को हम छील लिए हैं। ये हमारा 1.5 kg कच्चा सिंघाड़ा था और इसको छील लिए हैं। और सिंघाड़ा भी बहुत सॉफ्ट है, कड़ा नहीं है। और देखिए इजी तरीके से ये टूट जा रहा है। और इसको हम पीस लेंगे मिक्सी जार में डाल के। आप चाहें तो छोटा छोटा करके पीस लें डाल के, लेकिन ये बड़ा ही पीसा जाएगा क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है। और देखिए हम इसको पीस लिए हैं। इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं डाले हैं क्योंकि सिंघाड़ा नरम था, तो इसमें पानी ऑलरेडी सिंघाड़े में होता है, तो इसमें पानी डाल के पीसने की ज़रूरत नहीं है। ये बिना पानी का ही अच्छा पीसा जाता है। और ये हम ड्राई फ्रूट लिए हैं। अब इसको भी हम मिक्सर में दरबरा डाल के इसको हम पीस लेंगे। और देखिए हम इसको पीस लिए हैं, दरबरा ही हम पीसे हैं। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट को कट करके ही डाल सकते हैं, लेकिन हम दरबरा पीस के डाले हैं क्योंकि हमारे यहाँ कई लोग जो लोग खाते हैं उनके पास दांत नहीं है तो उनको फंसता है, इसलिए हम पीस के ही डाले हैं। और हम 2 चम्मच घी डाले, घी गर्म हो गया और उसमें हम जो सिंघाड़ा पीस के रखे थे उसको डाल दिए हैं। और इसको हम मीडियम आँच पर ही भुनेंगे, तेज आँच पर नहीं भुनेंगे। इसको अच्छी तरह से ऐसे पलटे से फेट फेट के इसको भूनेंगे। ये देखिए बिल्कुल गूंद जैसे हो जाता है। और आप लोग तो सूखे हुए सिंघाड़े का हलवा बहुत खाए होंगे, आप लोग कच्चे सिंघाड़े का हलवा खाइएगा तो सूखे हुए सिंघाड़े के हलवा को भूल जाएंगे। ये बहुत टेस्टी होता है। और देखिए ये बिल्कुल गूंद जैसे हो गया है, लेकिन भूनने के बाद ये अच्छा हो जाएगा। और देखिए अब कढ़ाई छोड़ने लगा है नीचे से। इसको ऐसे ही भुनिए, जब नीचे से बिल्कुल कढ़ाई छोड़ने लगे तो ये समझ लीजिए कि ये परफेक्ट भुना रहा है। इसको भी हम ऐसे फेट फेट के थोड़ा भुनेंगे, मीडियम ही आंच पे भुनेंगे, तेज आंच मत करिएगा नहीं तो नीचे से जलने लगेगा। अब देखिए ये सिंघाड़ा नीचे से कढ़ाई छोड़ दिया है, अब ये अच्छे से भुन गया है। पूरे सिंघाड़े को भुनने में 6 मिनट लगा है। और देखिए ये अच्छी तरह से भुन गया है। और आंच को हम तेज नहीं किए थे। और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच चीनी। आप कम बेसी चीनी डाल सकते हैं। और जो ड्राई फ्रूट पीस के रखे थे हम उसको भी डाल दिए हैं। ये 2 चम्मच में परफेक्ट मीठा हो जाएगा क्योंकि सिंघाड़ा मीठा होता है और ड्राई फ्रूट भी सब मीठा ही है, तो इसमें परफेक्ट मीठा हो जाएगा। अगर आप थोड़ा ज़्यादा खाते होंगे तो 1 चम्मच बढ़ा दीजिएगा तो अच्छा मीठा हो जाएगा। इसमें चाहिए तो आप खोवा डाल सकते हैं, लेकिन खोवा की ज़रूरत नहीं है, ये बिना खोवे का ही बहुत परफेक्ट बन के तैयार हो जाता है। और दूध डालने की तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये सूखा हुआ सिंघाड़ा है नहीं गीला है, तो इसमें दूध डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये परफेक्ट सिंघाड़े का हलवा बन के तैयार है। और ये हम गैस को बंद कर देंगे। हम ड्राई फ्रूट डाल के इसको भी हम 3 मिनट तक भुने हैं। और हम हलवा को ठंडा करके प्लेट में निकाल लिए हैं। और ये हलवा बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी बन के तैयार हुआ है। एक बार आप लोग ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा। कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को ये हलवा कैसा लगा। और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। और नमस्कार, जय माता दी।